पीएन कैडेट पाकिस्तान नेवी, पीएन कैडेट 2021 बीटा बैच, इनिशियल टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, टाइम गिवन एंड सब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द्रुदपाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم My name is محمد فیضان EduSmart the best education platform کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ PN Cadet 2021 बीटा बैच के इनिशियल टेस्ट जो कि आप देने जाएंगे कंप्यूटर पे होगा उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसका ये देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से आपके एमसीक्यूज आएंगे और कौन कौन सा आपका सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको टाइम दिया जाएगा। तो एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, हमारा पेड सेशन भी स्टार्ट है, ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन जूम पे लेक्चर्स हो रहे हैं जिसकी थोड़ी सी फ़ी है हमने रखी हुई, जिसमें आपको फिज़िकल के बारे में गाइड किया जाएगा, मेडिकल, इनिशियल टेस्ट, इंटरव्यू के। तो अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन सेम एस पी एम में, तो 0306-88-92-208 मेरा नंबर है, आप इससे मुझ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपका जो इनिशियल एकेडमिक टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड सेकंड इज एकेडमिक टेस्ट। ओके, फिर एक दफा देख लें, दो हिस्से होंगे आपके टेस्ट के, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा। ओके, जो इंटेलिजेंस होगा ना टेस्ट, उसके आगे मजीद दो टाइप्स होती हैं, एक होती है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरी होती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन से एमसीक्यूज होते हैं, सीरीज बेस क्वेश्चन हो सकते हैं या सीरीज बेस क्वेश्चंस, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस, अल्फाबेटिक सीरीज क्वेश्चंस, इज टू एज क्वेश्चंस, ऑड वन आउट क्वेश्चंस, इसके बाद स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, डेज रिलेटेड क्वेश्चंस और परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, जंबल्ड वर्ड्स एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद मिरर इमेजेस वाले एमसीक्यूज वर्बल में आ सकते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में शेप वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें बिग पैटर्न भी हो सकते हैं, मीडियम पैटर्न भी हो सकते हैं, स्मॉल पैटर्न भी हो सकते हैं, ऑड वन आउट भी हो सकते हैं, और उसके अलावा छः ऑप्शंस वाले भी हो सकते हैं, आठ ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं और चार ऑप्शंस वाले भी हो सकते हैं। इन सब की तैयारी मैं पेड सेशन में करवाता हूँ वन बाय वन। ओके, आपके जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा ना उसमें टोटल एमसीक्यूज होंगे 75 जो कि आपने सॉल्व आउट करने होंगे 30 मिनट्स में। 75 में से 35 एमसीक्यूज आपको नॉन वर्बल के आएंगे और 40 एमसीक्यूज आपको वर्बल के आएंगे, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो है 30 मिनट्स, 30 मिनट में आपने 75 एमसीक्यूज सॉल्व आउट करने होंगे। अगर आप मेरे पास पेड सेशन नहीं लेना चाहते तो मेरी वीडियोस काफ़ी सारी इंटेलिजेंस टेस्ट पे बनी हुई हैं, वो सेम है तकरीबन, जितनी भी फोर्सेज में टेस्ट होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सेम होता है बिल्कुल, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके ओके, अब बात कर लेते हैं एकेडमिक टेस्ट की। एकेडमिक टेस्ट में कौन कौन से सर सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से एमसीक्यूज होंगे, कौन कौन सा जो है ना टाइम कितना दिया जाएगा, कितने एमसीक्यूज आएंगे। देखें भाई, पहली चीज़ आपका फिजिक्स का, आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, आपका जनरल नॉलेज पे टेस्ट होगा, आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, आपका पाक स्टडीज़ का टेस्ट होगा, आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, आपका इस्लामियात का टेस्ट होगा और स्टेट एंड कंप्यूटर। अब मैं आपको इसकी पूरी जो है ना वो अरेंजमेंट बताने लगा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बताने लगा हूँ। बच्चे कुछ ने स्टेट पढ़ी होती है, कुछ ने फिज़िक्स पढ़ी होती है,
कुछ ने कंप्यूटर पढ़ी होती है, कुछ ने केमिस्ट्री पढ़ी होती है। इसका मतलब कि ये जो चार सब्जेक्ट है ना, स्टैट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और फिजिक्स, ये सब के ऑप्शनल हैं, किसी ने रखी होती है, किसी ने अलग पढ़ी होती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री का टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आता, स्टैट का कोई नहीं आता, फिजिक्स का कोई नहीं आता, कंप्यूटर का कोई नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स लाजमी आपके पेपर में होगा, इंग्लिश लाजमी आपके पेपर में होगा, जनरल नॉलेज इसमें करंट अफेयर्स आ जाता है, इसमें पाक स्टडीज आ जाता है, इसमें इस्लामियात आ जाता है, ये भी लाजमी होगा। समझ आई मेरी बात, ये भी लाजमी होगा। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की, स्टैट की, केमिस्ट्री और कंप्यूटर की। बच्चे फिजिक्स ये चार सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज आपके पेपर में होते हैं, बेशक आपको नजर आए या ना आए। कैसे आते हैं? स्टैट और मैथ तकरीबन सेम होती है, ऐसा ही है, तकरीबन सेम ही होती है। तो अगर स्टैट में से कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो वो तो आपको मैथ्स का एमसीक्यूज लगेगा, वहां पे कौन सा अलग अलग सेशन बनाए होने हैं। तो ये जो कंप्यूटर है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, फिजिक्स का पोर्शन होता है आपके पेपर में, ठीक है, ये याद रखें। स्टैट, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के जनरल टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको फील ही नहीं होते कि केमिस्ट्री के, स्टैट के या कंप्यूटर के हैं। वो कोर्स में से ही होते हैं लेकिन जनरल टाइप के होते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का C6H6 आप फार्मूला बताते हैं, ये तो आप सबको पता था, तो आपने ये तो गिनना ही नहीं केमिस्ट्री में। सिंपल बात बता रहा हूँ बच्चे कि सब्जेक्ट आपने नहीं छोड़ना, स्टैट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिक आपने देखने हैं, इसका दो दो, एक आध दो दो एमसीक्यूज, तीन एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में। ये नहीं सोचना कि पेपर में आते ही नहीं है, लेकिन जो आपके पेपर का मेजर पोर्शन होगा ना, वो मैथ्स पे, इंग्लिश पे, जनरल नॉलेज पे और फिजिक्स पे शामिल होगा, मेजर पोर्शन। जो लोग कहते हैं केमिस्ट्री, स्टैट, कंप्यूटर पे एमसीक्यूज नहीं आते, वो गलत बोलते हैं। दो चार एमसीक्यूज लाजमी आएंगे इसके लिए, और दो चार एमसीक्यूज को आप कम ना समझें, दो चार एमसीक्यूज आपके सिलेक्शन में बड़ा मुनासर करते हैं। जब आपकी वो लिस्ट लगेगी शॉर्ट लिस्ट, तो उसमें एक एक एमसीक्यू से आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस जो परसेंटेज बनेगी ना, वो आपको ख़राब करेगी, ठीक है। सो मेजर जो सब्जेक्ट है, मैथ्स है, फिजिक्स है, इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, पाक स्टडीज़ है, ये मेजर है, और स्टैट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर ये माइनर सब्जेक्ट हैं, जिनका दो चार एमसीक्यूज आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। समझ आ गई है मेरी बात? ओके, अब देखते हैं इसमें से कितने एमसीक्यूज जो है ना, वो एकेडमिक में कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, कितने आते हैं और कितना टाइम दिया जाता है। एकेडमिक में बच्चे आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं जो आपने 40 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। 100 एमसीक्यूज आपने 40 मिनट में सॉल्व आउट करने होते हैं। लगा लें हिसाब कि आपको कितने सेकंड में एक एमसीक्यू सॉल्व आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा पेड सेशन स्टार्ट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसमें ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे थ्रू जूम एंड व्हाट्सएप पे, आपको एमसीक्यूज डेली बेसिस पे शेयर किए जाएंगे, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा अबाउट इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। इनिशियल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट के बारे में गाइड किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के बाद गाइड किया जाएगा, एंड इंटरव्यू के बारे में गाइड किया जाएगा। अगर आप मेरे सेशन में, जिसकी थोड़ी सी फ़ी मैंने रखी हुई है, अगर उसमें आप इनरोल होना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0306-8892208। आप इस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ़ी वगैरह की डिटेल ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरूद पाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। तो कैंडिडेट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पैटर्न, सिलेबस और टाइम वगैरह डिस्कस किया। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और हर एक चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पेड सेशन में इनरोल करना है तो फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। चलते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।